आज हम पढ़ेंगे शब्द भेद, जिसके अंतर्गत जानेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द तथा अनेकार्थी शब्द तथा एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों के विषय में। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, अर्थात ऐसे शब्द जिनका प्रयोग पूरे एक वाक्य या अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है, उन्हें हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से होगी कि जिन शब्दों का प्रयोग पूरे वाक्य या अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है, उन्हें शब्द समूह के लिए एक शब्द या फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। जैसे कि इसके कुछ उदाहरण लेते हैं हम, जिसके आने की कोई तिथि ना हो वह क्या कहलाता है? अतिथि। ऐसे ही जिसका आदि ना हो वह कहलाता है अनादि। ऐसे ही जिसका जन्म ना हो वह कहलाता है अजन्मा। तो बच्चों, आपने देखा कि यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द प्रयुक्त किया गया है। अतिथि शब्द का अर्थ होता है कि जिसके आने की कोई तिथि ना हो, अर्थात जब भी हमारे घर पे अतिथि को हम इंग्लिश में बोलते हैं गेस्ट, तो हमारे घर पे जो गेस्ट आते हैं वो कभी कभी ऐसे आते हैं कि हमें उनका पता ही नहीं रहता, वो कभी भी आ जाते हैं। तो अतिथि वे होते हैं जिनके आने की कोई तिथि नहीं होती है, यानी कोई डेट उनकी फिक्स नहीं होती है कि वो कब आ जाए, तो वे कहलाते हैं अतिथि। तो इस प्रकार से यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द प्रयुक्त किया गया है। ऐसे ही जिसका आदि ना हो वह है अनादि, अर्थात आदि का अर्थ होता है शुरू होना, आरंभ होना, अर्थात जिसका कोई आरंभ ही नहीं है वह क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा अनादि। इसी प्रकार से जिसका जन्म ना हो वह कहलाएगा अजन्मा। तो इस प्रकार से यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए या फिर कहें पूरे वाक्य के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, अतः ये शब्द कहलाएंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अगला भेद है अनेकार्थी शब्द। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, अनेक धन अर्थी, अर्थात ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ निकलते हैं वे कहलाते हैं अनेकार्थी शब्द। तो इसकी परिभाषा होगी कि ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि कनक, कनक शब्द का अर्थ सोना, गेहूँ, धतूरा आदि, अर्थात कनक शब्द का अर्थ सोना भी है, गेहूं भी है और धतूरा भी है। तो इस प्रकार से कनक शब्द क्या कहलाएगा? अनेकार्थी शब्द। वही तप, तप शब्द का अर्थ तपस्या भी होता है, गर्मी भी होती है और धूप भी होती है, अतः तप शब्द भी कहलाएगा अनेकार्थी शब्द। तो इस प्रकार से अब आप जान गए होंगे कि अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। जैसे कि यहाँ पे कनक शब्द के तीन अर्थ हैं, वहीं तप शब्द के भी तीन अर्थ हैं, अतः यह कहलाएंगे अनेकार्थी शब्द। लेकिन इनके जो अर्थ होते हैं वो प्रसंग के अनुसार बदल जाते हैं, यानी ये जो शब्द होते हैं इनके प्रसंग के अनुसार इनका अर्थ भी बदल जाता है। जैसे कि कुछ उदाहरण लेते हैं हम, हार, हार शब्द का अर्थ होता है गले का हार भी होता है हार, और पराजय को भी हम हार बोलते हैं। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इनके जो अर्थ है वो प्रसंग के अनुसार बदल जाते हैं, तो इसका हम वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। जैसे कि माँ ने सोने का एक सुंदर हार खरीदा। अब यहाँ पर जो हार का अर्थ है वह है गले का हार। ऐसे ही एक और उदाहरण लेते हैं हम, खेल में मोहन की हार हो गई। अब यहाँ पे हार का अर्थ क्या है? पराजय, कि खेल में मोहन की क्या हो गई? पराजय हो गई। तो इस प्रकार से आपने जाना कि इन अनेकार्थी शब्दों के जो अर्थ है वो प्रसंग के अनुसार बदल जाते हैं। ऐसे ही इसके अन्य और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि कुल, कुल का अर्थ वंश भी होता है, सब भी होता है और घर भी होता है। अब इसका हम वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। जैसे कि राम अपने कुल का इकलौता बेटा है। तो अब यहाँ पे जो कुल का अर्थ होगा वह होगा वंश, कि राम अपने वंश का इकलौता बेटा है। ऐसे ही एक और उदाहरण लेते हैं, सीता के पास कुल चार किताबें हैं। अब यहाँ पे कुल का अर्थ क्या है? सब, कि सीता के पास
कुल मिला के मतलब सारी किताबें कितनी हैं, चार हैं। तो इस प्रकार से आपने जाना कि जो अनेकार्थ जो शब्द होते हैं इनके अर्थ प्रसंग के अनुसार बदल जाते हैं, तथा हमने जाना कि ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अगला भेद है एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, अर्थात ऐसे शब्द जो एक अर्थ के प्रतीत होते हैं वे शब्द कहलाते हैं। एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, इसकी परिभाषा होगी कि ऐसे शब्द जो देखने में तो एक दूसरे के पर्यायवाची रखते हैं लेकिन उनके अर्थ में भिन्नता होती है, यानी उनके अर्थ अलग होते हैं। ऐसे शब्द या वे शब्द एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहलाते हैं। जैसे कि ईर्ष्या, ईर्ष्या का अर्थ होता है दूसरों की उन्नति को देख करके मन में होने वाली जो जलन होती है उसे हम कहते हैं ईर्ष्या। ऐसे ही द्वेष, जबकि द्वेष का अर्थ होता है किसी से शत्रुता का भाव रखना। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ईर्ष्या और द्वेष ये दोनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची लग रहे हैं लेकिन इनके जो अर्थ हैं वो बिल्कुल अलग हैं, अतः यह कहलाएंगे एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। यानी जब हम किसी से शत्रु का भाव रखते हैं, शत्रुता का भाव रखते हैं, तो उसके लिए जो शब्द आता है वह आता है द्वेष। ऐसे ही जब हम दूसरों की उन्नति को देख करके मन में जो हमारे अंदर जलन होती है दूसरों की उन्नति को देखकर, तो वह कहलाती है ईर्ष्या। जैसे कि मोहन अपने भाई को अधिक प्रगति करते देख करके ईर्ष्या करने लगा, यानी उसके मन में जलन होने लगी कि मेरा भाई अधिक प्रगति कर रहा हो, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। ऐसे ही द्वेष, जब हम किसी व्यक्ति से शत्रुता का भाव रखते हैं तो वह कहलाता है द्वेष। तो आपने जाना कि ये एकार्थक प्रतीत होने वाले जो शब्द होते हैं ये ऐसे शब्द होते हैं जो देखने में तो एक दूसरे के पर्यायवाची रखते हैं लेकिन इनके जो अर्थ होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। ऐसे ही अन्य उदाहरण लेते हैं, जैसे कि अपराध और पाप। अब अपराध का अर्थ होता है सरकारी कानून को तोड़ना, जबकि पाप का अर्थ होता है धार्मिक नियमों को तोड़ना। यानी जब हम किसी सरकारी कानून को तोड़ते हैं तो वह कहलाएगा अपराध करना, तथा जब हम किसी धार्मिक नियम को तोड़ते हैं तो वह कहलाएगा पाप करना। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हम जो पूजा पाठ करते हैं वो हमें नहा धो करके करनी चाहिए, स्वच्छ होकर के करनी चाहिए। अगर हम बिना नहाए धोए आना भगवान की पूजा करते हैं तो क्या कहते हैं कि ये पाप है। तो इस प्रकार से हमने धार्मिक नियम को तोड़ा तो ये क्या कहलाएगा, पाप करना। तो बच्चों आपने जाना कि अपराध और पाप ये दोनों शब्द हैं एक दूसरे के देखने में पर्यायवाची लग रहे हैं, समान लग रहे हैं लेकिन इनके अर्थ बिल्कुल अलग हैं, अतः ये क्या कहलाएंगे, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। तो इस प्रकार से हमने जाना कि ऐसे शब्द जो देखने में तो एक दूसरे के पर्यायवाची लगते हैं लेकिन उनके अर्थ बिल्कुल अलग होते हैं, ऐसे शब्द कहलाते हैं एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। तो आज हमने अपने इस वीडियो के अंतर्गत शब्द के भेद अर्थ के आधार पर जाना, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो कि ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग पूरे एक वाक्य या अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है, ऐसे शब्द कहलाते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसके बाद हमने पढ़ा अनेकार्थी शब्द, ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं वे क्या कहलाते हैं, अनेकार्थी शब्द। इसके बाद हमने जाना एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, अर्थात ऐसे शब्द जो देखने में तो एक दूसरे के पर्यायवाची लगते हैं लेकिन इनके अर्थ में भिन्नता होती है, अतः ये कहलाते हैं एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। अब हम करेंगे कुछ प्रश्नों का अभ्यास, जिसे आज आपने इस वीडियो के अंतर्गत जो भी कुछ सीखा है आप उन प्रश्नों का अभ्यास करके यह जान सकें कि आज आप कितना सीख पाए हैं, यानी आप अपना मूल्यांकन कर सकें। तो पहला प्रश्न है, सप्ताह में एक बार होने वाला उपयुक्त शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए, मासिक, साप्ताहिक, वार्षिक या फिर शताब्दी। इसका सही उत्तर है साप्ताहिक, अर्थात सप्ताह में एक बार होने वाला क्या कहलाता है, साप्ताहिक कहलाता है। ऐसे ही राहुल सब कुछ जानता है, उपयुक्त रेखांकित शब्दों के स्थान पर एक शब्द बताइए, यानी सब कुछ जानता है इस शब्द के स्थान पर आपको एक शब्द बताना है, अवज्ञ, अल्पज्ञ, सर्वज्ञ या फिर कृतज्ञ। का सही उत्तर है सर्वज्ञ, यानी जो सब कुछ जानता है वह सर्वज्ञ कहलाता है।
अगला प्रश्न है, अंबर। नीचे दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द के अनेकार्थी शब्द बताइए, यानी अंबर शब्द के आपको अनेकार्थी शब्द बताने हैं। जो शब्द नीचे दिए गए उनमें से छांटना है आपको। अंबर शब्द के अनेकार्थी हैं कपड़ा, आकाश, धरती, या फिर कोयल, स्वर्ण, कारण, या बाण, कपास, अक्षर, या फिर कपड़ा, आकाश और कपास। इसका सही उत्तर है कपड़ा, आकाश और कपास। ये शब्द क्या है? अंबर शब्द के अनेकार्थी शब्द है। अगला प्रश्न है, मुकेश, सुरेश का रिक्त स्थान है पुत्र या फिर बालक? कोष्टक में लिखे शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपको जो ये कोष्टक में जो दो शब्द दिए गए हैं पुत्र और बालक, इन शब्दों में से एक शब्द चुन करके इस रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। आपने इसका उत्तर सोच लिया होगा। इसका सही उत्तर है पुत्र। मुकेश सुरेश का पुत्र है, क्योंकि जो अपना बेटा होता है वह कहलाता है पुत्र और कोई भी लड़का कहलाता है बालक। अतः यहाँ पर जो उत्तर आएगा, जो शब्द आएगा, वह आएगा पुत्र, कि मुकेश सुरेश का क्या है? पुत्र है।